मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में कहा था कि इसके हर एक सीजन की अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने आऊंगा, बट जब इसकी फर्स्ट सीजन देखा तब तो मैंने इसकी वीडियो बना दी, लेकिन जैसे मैंने इसका सेकंड सीजन देखना शुरू किया और जब वो खत्म हुआ तो मैं इसकी ऐसी लत लग गई थी, मैं इसके बाकी के सीजन देखे बिना अपने आप को रोक ही नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 62 एपिसोड है और मैं गारंटी से कहता हूं अगर आप लोग इस सीरीज को देखना शुरू करोगे तो आप लोगों मतलब इसकी इसकी लत लग जाएगी और आप इसको पूरी देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। तो अब इस सीरीज की थोड़ी बहुत कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी जो कहानी है वो अपनी एक पहले वाली वीडियो में बता दी, बट यार जब जहां मैंने इस पूरी सीरीज को देख लिया है, इसके सारे सीजन कंप्लीट कर चुका हूं, तो मन कर रहा है कि आप लोगों के साथ फिर से इसकी कहानी को डिस्कस किया जाए। तो एक केमिस्ट्री प्रोफेसर है जिसका नाम है वॉल्टर व्हाइट, वो अपने 50वें जन्मदिन पर उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। अब जैसे उसे पता चलता है वो कैंसर है तो अपनी बीती हुई सारी की सारी लाइफ उसे याद आती है कि भी उसने ऐसा क्या किया है कि जब वो चला जाएगा तो अपनी फैमिली के साथ मतलब वो फैमिली के लिए क्या छोड़ के जाने वाला है। इतना कुछ ज्यादा उसने कमाया नहीं है, मतलब उसकी फैमिली जब वो कर्जे में डूब जाएगी या फिर जो उसके परिवार कैसे आगे अपने आप को सर्वाइव करेगा, तो यही उसे टेंशन होने लगती है। तो वो फैसला करता है कि वो अपने जो एक स्टूडेंट होता है जेसी पिंकमैन, उसके साथ मिलकर वो ड्रग बनानी शुरू करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रुपया कमा सके, अपने परिवार के लिए वो छोड़ के जा सके। और इस सीरीज का सबसे ज्यादा आपसे कनेक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो इसकी स्टोरी है, जो इतनी ज्यादा रियलिस्टिक है कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई इलॉजिकल है। आप जब भी कोई सीन देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ यार ये चीज हो सकती है, ये मुमकिन है। और इस सीरीज का सबसे खतरनाक सबसे इंटेलिजेंट शख्स जो है वॉल्टर व्हाइट, मतलब ये इंसान जब आप इसकी स्टार्टिंग से जब आप इसको पता चलेगा, इसको डायग्नोज होता है कि भाई डायग्नोज किया जाता है इसको कैंसर है, और तब वहां से जब ये स्टार्ट होता है इसका मतलब जब यहाँ पर अपने अंदर ही अंदर आवाजें मतलब अपनी बातें रखना शुरू करता है कि वो अपने अपने परिवार के साथ अपने जो दिल की बातें वो शेयर नहीं करता, अपने थॉट्स शेयर नहीं करता, जहां पर इसका हर कोई मजाक उड़ा रहा है, उसके मतलब उसका जो साला है, साला क्या कहें, इसका जो इसकी बहन, इसका जो वाइफ है उसकी बहन का पति जो इसका मजाक उड़ाता है, जो पुलिस में होता है बार बार इसका मजाक उड़ाते हैं, जो इसके जो बच्चे होते हैं स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो वॉल्टर व्हाइट का मजाक उड़ाते हैं, मतलब इसको कभी अपनी अपनी बात कहने की आजादी नहीं मिली, अपने आप को अंदर ही अंदर ये दबाता रहा। और जब इसे पता चलता है कि इसे कैंसर है तब ये इंसान जो फूटना स्टार्ट होता है उस लेवल से, और जब इसकी एंडिंग तक आप जाओगे तब इसके जो जो बिहेवियर में जो चेंज है, इसके बात करने में, इसके देखने में, इसके मतलब हर टोटली चेंज हो जाता है। और इस इंसान को देखने के बाद आप लोगों को डर लगने लग जाएगा, मतलब एक लिमिट मतलब जहां पर ये सीरीज खत्म होने लगेगी, यानी खत्म होने से पहले मतलब जब ये ड्रग के मामले में पूर्ण रूप से अपने आप को मिला लेगा तब आप लोगों को डर लगने लग जाएगा कि यार ये कहां जा रहा है, क्या करने वाला है। अब देखो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो अपने शब्द यूज कर रहा हूँ इस सीरीज की व्याख्या के लिए वो सही है या गलत, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि इस सीरीज को आप कहीं ना कहीं इसको कम आंको, क्योंकि यार ये वो वाली सीरीज है जो कमर्शियल पर्पज से नहीं केवल एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है। आप लोगों को भरपूर एंटरटेनमेंट मिलेगा और इस सीरीज को दिल से रिस्पेक्ट देने का मन कर रहा है कि हाँ यार वाकई में बहुत जबरदस्त काम किया है। और जो जेसी पिंकमैन का जो करेक्टर है इसके अंदर जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इरिटेटिंग भी, कहीं कहीं तो आप लोगों को जो ऐसा लगेगा यार इस बंदे को खींच के एक लाफा मारे यार कैसी पागल वाली हरकतें कर रहे हैं, बट यही तो वो मेकर चाहते थे कि ये ऐसा इंसान है। और इसका बिहेवियर जो इसके अंदर दिखाया गया यार ये बहुत मतलब मन का कच्चा, ये किसी की बातों में आ जाता है, इसको बहला फुसला कर कोई भी काम निकला लेते हैं, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग करेक्टर है। और अब वॉल्टर व्हाइट की वाइफ जो स्काइलर है वो अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, मतलब वो चाहती है कि जब भी उसके परिवार में जो भी पैसा आए वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आए, कोई बुरी मतलब गलत काम करके ना आए। उसने हमेशा ही इस चीज़ को सपोर्ट किया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके उसका जो पति है वॉल्टर व्हाइट वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है तब भी वो उसका विरोध करती है, बहुत विरोध करती है, अपने बच्चों को उससे अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने की सारी जो कोशिशें वो धरी की धरी रह जाती हैं। फिर ये एक दोबारा से शुरुआत करती है कि अपने पति का साथ वो दे सके, रुपयों को मतलब एक बार मतलब ब्लैक से व्हाइट कर सके ताकि अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं ले सके, कोशिश करती है, फिर अपने पति को उससे मतलब उस ड्रग के जाल से निकालने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा जो इसके अंदर दिखाया गया, और जो ऐसा नहीं है कि भी जो यहाँ पर स्काइलर है उसने बहुत अच्छे काम किए, कुछ इसने गलत काम किए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई। जस्टिफाई करने का मतलब है कि नारीवाद जो मतलब कि फेमिनिज्म का जो कार्ड खेलने की जो वहाँ पर कोशिश की जाती है वो नहीं खेला गया, जो उसने किया
बस ठीक है उसको दिखा दिया गया, कोई उसके पीछे रीजन नहीं दिया गया, ये सब चीजें इसमें चली जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और अब आता है हैंक जो एक पुलिस ऑफिसर होता है, और मुझे उस एपिसोड का बड़ा बेसब्री से इंतजार था जब हैंक को पता चलेगा जो हाइजनबर्ग है वही वॉल्टर व्हाइट है। यानी हाइजनबर्ग उस ड्रग माफिया का नाम एक तरीके से फैल चुका होता है इस वेब सीरीज में कि हाइजनबर्ग ही पूरी इस ड्रग माफिया को चला रहा है। और जब हैंक को पता चलता है कि वॉल्टर व्हाइट ही है जो इस पूरे ड्रग माफिया को चला रहा है वही हाइजनबर्ग है, और उस सीन को देखने के बाद मैं ये सोच रहा था कि यार अब हैंक कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि वॉल्टर व्हाइट ही है जो ये सब चीज़ें कर रहा था। तो मतलब उसको याद आएगा कि उसने वॉल्टर व्हाइट ने उसके लिए क्या क्या किया था, या वो अपने रिश्तों को बीच में, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। और जो वहाँ पर जो चीज़ें घटती हैं, जो सिचुएशन जो बनती है, अप्स एंड डाउन जो चीज़ें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, एक बार तो देखने का मन करता है कि यार फिर देखते हैं यार इससे और ज़्यादा क्या होने वाला है, प्लीज़ यार ऐसा मत लो। मतलब अंदर से मतलब फीलिंग आती है कि यार नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा आप कनेक्ट हो जाओगे इस सीरीज से। और वॉल्टर व्हाइट के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं, आपको इससे डर तो लगेगा लगेगा, साथ ही साथ आपको इससे नफरत हो जाएगी। जैसे पिंकमैन इस वॉल्टर व्हाइट के बारे में एक बात कहते हैं कि वॉल्टर व्हाइट मतलब पूरी सीरीज में मतलब वो कहते हैं कि तुम जितना सोच सकते हो वो इंसान उससे ज़्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वो मतलब फॉलो करते हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब है अगर किसी ने उसे थ्रेट दे दिया, थ्रेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसे यही कह दिया डराने के लिए कि वो वॉल्टर व्हाइट और वॉल्टर व्हाइट की फैमिली को खत्म कर देगा, तो ये इंसान उस इंसान को नहीं बख्शेगा जिसने उसको धमकी दी, वो उसे खत्म करके ही मानेगा, मतलब जान से मार के ही मानेगा, ऐसा इसमें दिखाया गया। और इतना इंटेलिजेंट ये इंसान है कि इसके सामने कितनी भी ओड सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितनी भी ज्यादा ओड सिचुएशन मतलब कि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये उसे पलटने की काबिलियत रखता है। और ऐसा इसमें दिखाया गया, जो इसमें चीजें दिखाई गई हैं कोई इलॉजिकल नहीं है, बाकायदा उसका रीजन दिया जाता है आपके सामने, वो चीजें रखी जाती हैं कि ये सब चीजें हुई हैं। और ये इंसान जो केमिस्ट्री का टीचर, इसने अपनी जो नॉलेज है वो भरपूर यूज की है। अब देखो यार बताने को और एक्सप्लेन करने को बहुत कुछ है मेरे पास, बट यार वही चीज आ जाती है कि अगर मैंने आप लोगों को इसके 62 के 62 एपिसोड के कुछ ना कुछ आप लोगों को बताने बैठा तो एक तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, और ऊपर से आप लोगों का इंटरेस्ट भी खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का इस सीरीज से कोई इंटरेस्ट खराब हो। और मैं ये चीज जरूर कहूंगा, गारंटी के साथ कहूंगा कि जब आप ये सीरीज देखकर हटोगे तो ये आपकी सीरीज जो है फेवरेट लिस्ट में शामिल होने वाली है, या तो ये हो सकता है कि आपकी जो फेवरेट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ये बनने वाली है आपकी। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि यार मेरी जो ड्रामा के मामले में जो क्राइम थ्रिलर बहुत ज़्यादा ये सीरीज मेरे मतलब रही, इसमें सस्पेंस भी है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, इसके अंदर वो चीज़ें निकलती है। मैंने कहा ना ये इंसान वॉल्टर व्हाइट, इससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। और जो ये सीरीज ख़त्म होती है, जो इसकी एंडिंग होती है, और उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अंदर तक हिला के रख देंगी वो चीज़ें, और जब इसकी एंडिंग होती है तो वॉल्टर व्हाइट को आप मिस करोगे, मतलब जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अब इस सीरीज़ को देखने के बाद कुछ दिन तक मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे कुछ टाइम हो गया सीरीज़ देखे हुए, पूरी कंप्लीट कर ली थी, कुछ टाइम तक मैं वॉल्टर व्हाइट के बारे में सोच रहा था, उसके साथ में जो एंडिंग में होता है मैं नहीं बताने वाला, तो मैं उससे बाहर निकल रहा था यार ये सब चीज़ें होगी। और एक तरीके से आदत पड़ जाती है वॉल्टर व्हाइट को देखने की, इतनी कमाल की एक्टिंग ब्रायन क्रिस्टन के द्वारा यहाँ पे की गई है यार, मतलब बहुत जबरदस्त यार, काम किसे कहते हैं। एक बार प्लीज जाके इस सीरीज को देखना, उनकी एक्टिंग देखो, इस स्टोरी को देखो, बहुत ज्यादा कमाल का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस, Everything is awesome. तो खैर मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10 स्टार। अगर किसी ने सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो यार वेट किस चीज का कर रहे हो, जाकर देखो, आपकी मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ये बनने वाली है। बहुत जबरदस्त इसे डायरेक्ट किया गया है, बहुत अच्छी स्टोरी इसके अंदर है, तो अगर जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। Yo go scono te, agero sono me.